O x और इधर x डैश, ये y o y डैश, इसको हम नंबर लाइन भी ले सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 +5 और ये -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से ऊपर की तरफ ये प्लस है 1 2 3 4 5 +5 और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जो मान है या परिमाण है वो बढ़ता जा रहा है, और उसी प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर परिमाण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये -4 है, -4 इज ग्रेटर देन -5 विच इज एंड +5 इज ग्रेटर देन -4, +5 इज ग्रेटर देन -4, तो इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर वाई डायरेक्शन में भी लें तो -5 हमें ध्यान रखना है, ये अगर -2 है तो -2 इज ग्रेटर देन -5। अब अगर इन एक्सीज को, इनको कोऑर्डिनेट एक्सीज भी कहते हैं, ये एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 0 से लेकर 90 डिग्री का जो एंगल है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड चतुर्थांश चतुर्थांश। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड चतुर्थांश और ये चौथा क्वाड्रेंट है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अगर कोई एंगल थीटा लें कि वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। देखिए इसमें एक बहुत ही सरल विधि है कि ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, जिसमें ये दो जिस तरफ दो पॉइंट होते हैं वो वाली वैल्यू है बड़ी होती है, और जिस तरफ मात्र एक पॉइंट होता है वो वैल्यू छोटी होती है। तो यानी कि थीटा है ये 0 से तो बड़ा है और जो 90 डिग्री है वो थीटा से बड़ा है। यानी कि जो थीटा एंगल है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो यहां कहीं है, अगर थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो यहां कहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां है और चतुर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहां है। तो वी कैन राइट दैट इन दिस क्वाड्रेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, और थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2, बिकॉज 90 डिग्री इज पाई बाई 2। हेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180, यहां से चल के और यहां तक आया, और थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, क्योंकि जो पाई एंगल बना वो यहां से लेके यहां तक बना। इस चतुर्थांश में थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 270, और वी कुड राइट थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 पाई बाई 2। हेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 360 डिग्री, और थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पूर्ण परिक्रमण में अगर रेखा किरण ओ एक्स को एक पूर्ण परिक्रमण अगर हम कराते हैं और किरण वापस ओ एक्स पर आ जाती है तो एंगल बनता है 2 पाई का। इसी तरह से एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको सारे जो एंगल्स हैं वो याद रहें।
क्वाड्रेंट इट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से थीटा माइनस करेंगे और थीटा की वैल्यू है बिटवीन 0 एंड 90, तो ये वाला क्वाड्रेंट मिलेगा। अगर इस क्वाड्रेंट पे हम जाएं तो 90 प्लस थीटा होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। यहां पर अगर हम देखें तो ये होगा 180 माइनस थीटा और यहां पर होगा 180 डिग्रीज प्लस थीटा, इस तरफ आएगा, यहां होगा 270 डिग्रीज माइनस थीटा और इधर होगा 270 डिग्रीज प्लस थीटा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इस एक्सिस पर, एक्सिस वाई ओ वाई डैश पर साइन थीटा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले तो वो कॉस होगा और कॉस जो एंगल होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और टेन एंगल है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल इसमें कॉस एंगल्स आर पॉजिटिव, इसमें एक्स टेन एंगल्स आर पॉजिटिव और इसमें साइन एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल कॉस और टेन। तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या बनता है, एक्स, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। इसमें सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का एंगल पॉजिटिव होगा, यह बना देता हूं मैं आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहली बार तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस होगा तो ये हो गया कॉस थीटा, ये वाई ओ वाई डैश एक्स डैश ओ एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑल आर प्लस, 90 डिग्री माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये हो गया साइन थीटा, और टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह से अगर इधर देखें इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही रहेगा पर साइन का जो एंगल है वो प्लस रहेगा तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा। ये जो साइन देखना है हमको, ये वाला देखना है साइन की वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगी पर वास्तव में जो एंगल है वो कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा वो हो जाएगा, अब ये कॉस है वो एंगल नेगेटिव होगा, ऑल अदर्स आर नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन है वो कॉट में कन्वर्ट होगा और माइनस होगा तो माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में, या इसको पहले 180 माइनस थीटा एंगल ले लेते हैं, 180 माइनस थीटा में साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस एंड टेन विल रिमेन टेन। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन का साइन रहेगा और प्लस भी रहेगा, प्लस साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का कॉस रहेगा और माइनस होगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा विल बी माइनस टेन थीटा। इस क्वाड्रेंट के एंगल देखें, 180 प्लस थीटा,
then theta again I am repeating is between 0 and 90 degrees, यही वैल्यू रहेगी इस एक्सिस पर, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन का साइन रहेगा परंतु सिर्फ टेन प्लस है इसलिए यह रहेगा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस टेन थीटा, क्योंकि ये प्लस है एक्स अगर देखें, ऑल प्लस ओनली कॉस प्लस ओनली टेन प्लस ओनली साइन प्लस, तो ओनली जो साइन प्लस है, साइन के लिए हमने प्लस लिया था, साइन के लिए प्लस लिया था, बाकी दोनों नेगेटिव लिए थे, और यहां पर हमने सिर्फ टेन प्लस लिया है और बाकी दोनों नेगेटिव है। अब 270 माइनस थीटा में अगेन इस एक्सिस पर हमने कहा था कि यही चीज रिपीट होती है, तो साइन थीटा को कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और माइनस होगा माइनस साइन थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और यहां पर माइनस ये साइन 270 माइनस थीटा कॉस में आएगा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा विल बी प्लस टेन थीटा। अब 270 प्लस थीटा के एंगल से अगर देखें तो वही साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, और कॉस वाले एंगल हैं सिर्फ प्लस होंगे बाकी सारे माइनस होंगे, तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ये माइनस होगा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि सिर्फ कॉस प्लस है तो ये प्लस है, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कॉस के अलावा सारे माइनस होंगे, टेन भी माइनस होगा साइन भी माइनस होगा। अब यहां पर जो एंगल है वो 2 पाई का बन जाता है, ये पूरा एंगल 2 पाई एंगल हो गया, तो ये तो हो गया 2 पाई प्लस थीटा, और ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो यहां पर हम एंगल लेते हैं, अच्छा इस एक्सिस पर यही रहेगा साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, और यहां पर कॉस प्लस होगा और यहां पर ऑल प्लस होंगे, सो ऑन दिस एक्सिस 2 पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, एंड टेन विल रिमेन टेन, एंड हेयर ओनली कॉस एंगल विल बी पॉजिटिव, एंड हेयर ऑल द एंगल्स विल बी पॉजिटिव, सो विल स्टार्ट विथ, हम स्टार्ट करते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन है वो साइन रहेगा और माइनस होगा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये होगा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि एक्ट्स में ऑल प्लस कॉस प्लस टेन प्लस साइन प्लस, तो जो कॉस का जो एंगल है वो चाहे भले ही कॉस में है चाहे साइन में है वो प्लस होंगे, और टेन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा। इसी तरह से साइन 2 पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा ये होगा कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। अब यहां पर हम
टू पाई का मतलब है कि ये पूर्ण परिक्रमण हुआ एक बार रेखा ओ ए का, एक बार पूर्ण परिक्रमण हुआ तो एंगल बनता है टू पाई यानी कि 360 डिग्री। इसी प्रकार से दो परिक्रमण भी हो सकते हैं, तीन परिक्रमण भी हो सकते हैं और इनसे थोड़े ज्यादा या कम परिक्रमण भी हो सकते हैं। तो टू टू पाई प्लस थीटा थोड़ा सा जब ज्यादा होगा तो इस क्वाड्रेंट में होगा, टू पाई माइनस थीटा थोड़ा सा कम होगा टू पाई से तो इस क्वाड्रेंट में होगा। अब ज्यादा जब होंगे तो उसको हम 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा से लिखते हैं, तो उनकी वैल्यूज भी यही आती हैं यहां पर कि n बराबर 1, 2, 3, 4। जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस थीटा एंड 4 पाई माइनस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है कि साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है और टैन माइनस थीटा ये माइनस टैन थीटा के बराबर होता है। अगर एंगल नेगेटिव हो जैसे थीटा प्लस था है थीटा माइनस, तो एक्चुअली 2 पाई माइनस थीटा हो गया, 2 पाई की जगह सिंपली माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा विल बी प्लस कॉस थीटा और टेन माइनस थीटा विल बी माइनस टेन थीटा।